नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप भी पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में DLED या BED का फॉर्म फिलअप किए हैं ये और एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको बता दूं कि मेरिट लिस्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, इसके लिए डेट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं साथ ही साथ उस डेट को भी आपको बताऊँगा कि कब मेरिट लिस्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, शपथ पत्र का प्रारूप क्या रहेगा, फीस जमा करने की प्रक्रिया क्या रहेगी और साथ ही साथ अनुभव प्रमाण पत्र में किनका साइन लगेगा, BO DO किनका साइन लगेगा, पूरा काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो में तक बने रहे और यदि आप चैनल में नए हैं, इसी प्रकार के और नए नए अपडेट पाना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक में जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है, इस टॉपिक को हम पूरा कवर करने वाले हैं। एक एक करके सभी जानकारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले देखिए, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इनका एग्ज़ाम जो है BED और DLED का एग्ज़ाम 28 जुलाई को हुआ और 28 को ही मॉडल आंसर जारी हो चुका है। उसके दावापत्ति मंगाया जा रहा है जिसके लिए आज अंतिम तिथि है, 30 तारीख दावापत्ति करने का अंतिम तिथि है। ठीक है, दावापत्ति निराकरण करने के पश्चात इसके परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। ठीक है, दावापत्ति के पश्चात प्रवीण सूची प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर घोषित की जाएगी, मतलब इसके लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएंगी। समान अंक प्राप्त होने वाले अभ्यर्थियों को जो जिनकी एज ज़्यादा रहेगा उनको जो है पहले दिया जाएगा, अगर इक्वल अंक हो जाते हैं उसका चयन सूची जारी किया जाएगा। तो प्रवीण सूची मेरिट के पश्चात चयन सूची सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है, ये प्रवीण सूची जारी किया जाएगा, उसके सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा। प्रवीण सूची एवं चयन सूची में अंतर क्या है, तो चयन सूची वर्ग एवं संवर्गवार भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर घोषित की जाएगी। ठीक है, प्रवीण सूची मतलब इसमें सभी कैंडिडेट का रहेगा और चयन सूची में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट रहेगा उनका, मतलब जिनको कॉलेज अलाट किया जाएगा उनका लिस्ट रहेगा। देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद अध्ययन केंद्र आवंटन, मतलब आपको कौन सा कॉलेज या कॉलेज मिलेगा, ठीक है, वो अध्ययन केंद्र आवंटन हो गया। ठीक है, तो चयन सूची घोषित होने के पश्चात साथ साथ प्रत्येक अभ्यर्थी हेतु अध्ययन केंद्र आवंटित कर सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थी को आवंटित अध्ययन केंद्र में जाकर काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होना होगा। अब काउंसलिंग प्रक्रिया क्या है, तो देखिए पहले आप देख लीजिए BED एवं DLED पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की तिथि, ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके लिए मॉडल आंसर 28 को जारी हुआ, अंतिम तिथि 30 जुलाई है। अब देखिए परीक्षा परिणाम अंतिम सूची कब आएगा, 5 अगस्त, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले इसके पूर्व सूचना दिया था कि 5 अगस्त को संभावित है, 5 अगस्त तक जो है इनका अंतिम सूची जारी होगा। उसके बाद पुनः जो है दावापत्ति मंगाया जाएगा 6 अगस्त तक, फिर दावापत्ति निराकरण एवं अंतिम प्रवीण सूची का प्रकाशन किया जाएगा 12 अगस्त 2024 को संभावित है। ठीक है, फिर आगे की प्रक्रिया क्या होगा, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि कब इनका रिजल्ट आएगा और फाइनल जो चयन सूची है 12 अगस्त को आने वाला है। ठीक है, अब देखिए आगे की प्रक्रिया, काउंसलिंग प्रक्रिया क्या है, अध्ययन केंद्र आवंटन के पश्चात ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया की सूचना वेबसाइट पर प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जैसे ही अपडेट आए आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहे। इस सूचना के माध्यम से यह बताया जाएगा कि किस तिथि से किस तिथि तक कौन सी प्रक्रिया का संचालन होगा। ठीक है, तो काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए अलग से समय सारणी जारी किया जाएगा। उसके देखिए प्रमाण पत्र का सत्यापन, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आगे आपको जानकारी दूंगा। तो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत सबसे पहले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र सत्यापन है तो मुख्यालय में अध्ययन केंद्र में स्वयं उपस्थित, मुख्यालय में या अध्ययन केंद्र दोनों जगह आप जा सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत सबसे पहले प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र सत्यापन अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो मुख्यालय में या अध्ययन केंद्र में स्वयं उपस्थित होकर, स्वयं ना किसी दूसरे को भेज दिए, चाचा को भेज दिए, भाई को भेज दिए, ऐसा नहीं, आपको स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा। उसके देखिए सत्यापन है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती, जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए हैं उसकी पावती, प्रवेश परीक्षा पत्र मतलब आपका प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है उसकी छायाप्रति, सीट आवंटन का पृष्ठ, आपको जो
कॉलेज अलाट होगा, ठीक है, उस पेज का आपको प्रिंट निकालना है, पूरे पेज का नहीं, जिस पेज में आपका नाम रहेगा उस पेज का आपको प्रिंट निकालना है। दसवीं की अंक सूची, ठीक है, ये हम दोनों की बात कर रहे हैं, बीएड एवं डीएड दोनों के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। जहाँ बीएड के लिए डिग्री रहेगा वहाँ बीएड का, और जहाँ डीएड का है मैं आपको वहाँ बता दूंगा, ठीक है। तो दसवीं की अंक सूची, बारहवीं की अंक सूची, ये तो दोनों को लगेगा, ठीक है। उसके बाद स्नातक, यदि अब बीएड के लिए, यदि आप बीएड में एडमिशन लेना चाहेंगे तो स्नातक के तीनों वर्ष की अंक सूची की मूल एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति लगेगा, ठीक है। ये अब देखिए, बारहवीं तक का जो है केवल डीएलएड के लिए, डीएलएड के लिए तो इतना डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, ठीक है। अब आगे की ये दो है, जैसे स्नातक की, स्नातकोत्तर की, ठीक है, लागू हो तो ये किन के लिए है, बीएड करने वाले। डीएलएड के दोनों वर्ष की अंक सूची, ठीक है, यदि आप बीएड कर रहे हैं तो डीएलएड की लगेगा, ठीक है। उसके बाद सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वर्तमान में वह छत्तीसगढ़ राज्य का जाति प्रमाण पत्र, ये तो ठीक है, दोनों को लगेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वर्तमान में वध, अगर आपके पास दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, ठीक है, यदि लागू हो तो मतलब यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं, तो जैसे कि आपका जनरल है तो जनरल है तो आपको ये जाति प्रमाण पत्र तो नहीं लगेगा, ठीक है। यदि लागू हो कहने का मतलब वही है कि यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो लागू हो लिखा है मतलब उस कैटेगरी में आते हैं तब आपको लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वर्तमान में वैध संवर्ग, ठीक है, यदि आप स्वतंत्रता सेनानी है, निःशक्त है, भूतपूर्व सैनिक है तो उसका प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति। उसके बाद आधार कार्ड की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति। स्वयं की दो नवीनतम फोटो, आपको दो फोटो भी लगेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे कि दो नवीनतम होना चाहिए, ओल्ड नहीं, ठीक है। यदि आप नया देंगे, नया देंगे तो क्या है, आपका जो मार्कशीट वगैरह है वो भी प्रिंट होकर के आता है, और नया जरूरी है। उसके ₹10 के स्टाम्प में शपथ पत्र। अब आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि शपथ पत्र का फॉर्मेट क्या रहेगा, किस फॉर्मेट आप में आपको जो है क्या करना है, बनवाना है। तो अभी से ये सभी डॉक्यूमेंट बनवा करके नहीं रखना है, जो आपके पास है उनको रखना है। जैसे ही अगर आपका लिस्ट में नाम आता है उसके बाद ये सभी प्रक्रिया को रखना, आपके संज्ञान में यह होना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी स्टाम्प पेपर वगैरह में शपथ पत्र बनवा के नहीं रखना, जैसे ही आपका लिस्ट मेरिट लिस्ट में नाम आता है उसके बाद जो है आप डॉक्यूमेंट को रेडी करेंगे, ठीक है। उसका शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति लगेगा, ठीक है, उस जिसमें देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत होने संबंधी शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र जो प्राचार्य प्रधान पाठक द्वारा हस्तांतरित मुद्रित हो, ठीक है। तो आपको मैं बता दूँ कि जो डीएड डीएलएड है तो डीएलएड वाले को जो है बीओ बीएड बीओ या डीओ की साइन नहीं लगता है, वहाँ केवल जो स्कूल, जिस स्कूल में आप सर्टिफिकेट लेंगे उनके प्राचार्य या प्रधान पाठक, ठीक है, उनका जो है साइन लगेगा। लेकिन यदि आप बीएड में एडमिशन लेंगे तो बीएड में लेंगे तो वहाँ प्राचार्य का साइन लगेगा, उसके बाद साथ ही साथ डीओ बीओ का भी जो प्रमाण पत्र द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुद्रित हो, ठीक है, तो डीओ बीओ का भी साइन लगेगा जो बीएड करने वाले हैं उनके अनुभव प्रमाण पत्र में, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन डीएड वाले को नहीं लगेगा, केवल स्कूल में जो प्रधान पाठक है या प्रिंसिपल है उसके साइन पर काम चल जाएगा, ठीक है। आगे मैं दिखाऊंगा फॉर्मेट, ठीक है, इनका फॉर्मेट क्या रहेगा, ठीक है। अगर आप स्वयं प्राचार्य प्रधान पाठक के चार्ज में हो तो प्राचार्य प्रधान पाठक वाले स्थान पर बीओ द्वारा हस्ताक्षरित या मुद्रित कराएं, तथा डीओ बीओ वाले स्थान पर डीओ द्वारा हस्ताक्षरित या मुद्रित कराएं, ठीक है। ये किसके लिए है, बीएड वालों कैंडिडेट के लिए है। ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, जहाँ ओवर राइटिंग हो गया वहाँ पुनः हस्ताक्षर होना चाहिए। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र में शाला का जावक क्रमांक एवं जावक दिनांक अंकित होना भी अनिवार्य है, ठीक है, जावक दिनांक पुराना ना हो, ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन शुल्क कैसे जमा होगा, ठीक है, तो ऑनलाइन शुल्क के लिए आपको जो फर्स्ट ईयर में कैंडिडेट रहते हैं उनका जो है चालान के माध्यम से जमा होता है। साथ ही साथ मैं आपको चालान की प्रति दिखाऊंगा किस फॉर्मेट में चालान जमा होगा, और चालान के लिए आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, पंडित सुंदरलाल शर्मा के कैंपस पर आपको जो है चालान पटाने के लिए बैंक सुविधा उपलब्ध है। तो देखिए चालान बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रामीण बैंक, आप बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करना, तीन बैंक में आप कर सकते हो, ठीक है। तो कब जमा करना, जब आपका सभी डॉक्यूमेंट ओके हो जाए उसके बाद चालान, पहले से आप चालान कटवा लिए, ठीक है, तो फिर पैसा वापस नहीं होगा, तो ये गलती नहीं करना, पहले से चालान नहीं कटवाना है। आपको क्या करना है, पहले आपका एडमिशन, क्योंकि वहाँ मौका देते हैं, आपका हर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट सभी लीगल हो जाएगा, आप पात्र हो जाएंगे, तब आपको चालान
जमा करना है, अदरवाइज फिर वापस नहीं होगा। चालान में सीएस क्रमांक व दिनांक होना अनिवार्य है, तो सीएस क्रमांक एवं दिनांक होना अनिवार्य है। मैं आगे चालान का फॉर्मेट दिखाऊंगा। चालान कुल चार प्रतियों में होगा, पहली प्रति बैंक की होगी, दूसरी प्रति विश्वविद्यालय के वित्त विभाग की, तीसरी प्रति विश्वविद्यालय के प्रवेश विभाग की होगी, और जो चौथी प्रति होगी आपके लिए भी छात्र के लिए होंगे, ठीक है, जो अपने पास आपको सुरक्षित रखना है। चालान फॉर्म बैंक से ही में से ही उपलब्ध होगा, चालान फॉर्म बैंक में भी मिल जाएगा। चालान जमा में सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरे, ठीक है, तो चालान फॉर्म आपको बैंक के माध्यम से भी मिल सकता है, ठीक है, या आप स्वयं निकाल कर भी ले जा सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क अपडेट, ठीक है, जब देखिए चालान जमा हो जाएगा, ठीक है, मान लो आपका नाम आ गया, आपका सभी डॉक्यूमेंट ओके हो गया, उसके बाद आपको चालान जमा करना है। जब चालान जमा हो जाएगा तो चालान जमा हो जाएगा तो उसके बाद आपको फिर से यूनिवर्सिटी वापस जाना है, ठीक है। वापस जाने के बाद आपको क्या करना है, अपने जो चालान जमा किया है, चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने के पश्चात चालान ऑनलाइन अपडेट कराना अनिवार्य होगा। चालान ऑनलाइन अपडेट अध्ययन केंद्र के माध्यम से होगा, ठीक है, जिस अध्ययन केंद्र में है वो, या फिर आप जो मेन यूनिवर्सिटी जाएंगे वहाँ भी हो जाता है, ये सुविधा रहता है। अगर आपने चालान माध्यम से शुल्क तो जमा कर दिया किंतु ऑनलाइन अपडेट नहीं कराया है, उस स्थिति में आपका प्रवेश नहीं माना जाएगा तथा आपकी सीट आपके बाद के अभ्यर्थी को चली जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, यदि आप चालान अपडेट कर लेंगे उसके बाद आपको चालान जमा कर लेंगे उसके बाद चालान ऑनलाइन अपडेट कराना अनिवार्य रहेगा, उसके बाद आपको प्रवेश की पावती मिल जाएगा, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। देखिए ये रहा चालान का फॉर्मेट, ठीक है, इस चालान का फॉर्मेट देखिए, जहाँ लिखा हुआ है बैंक प्रति, ठीक है, कार्यालय प्रति, प्रवेश विभाग, उसके देखिए ये छात्र प्रति, तो इसको आपको संभाल करके रखना है। उसके देखिए ये बात, इनको आपको भरना अनिवार्य, जैसे सीएस क्रमांक, ये सीएस क्रमांक लिखाना अनिवार्य है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे जब भी आप चालान पे करने जाएंगे तो सीएस क्रमांक लिखा है कि नहीं उसको आप ध्यानपूर्वक नोट कर लेंगे। यदि ये नहीं लिखा रहेगा तो आपका फीस जमा हो जाएगा, फिर भी आपका एडमिशन नहीं होगा, तो आप बैंक में ही इसको एक बार चेक कर लेंगे और दिनांक भी देखना जरूरी है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसका फॉर्मेट। पहले आपको दिखाता हूँ कि अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप, उसके बाद मैं शपथ पत्र का प्रारूप दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र है, ठीक है। तो प्रारूप क्रमांक 1 शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र है, ठीक है। तो देखिए इसमें विद्यालय का पंजीयन, विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, विद्यालय का दूरभाष क्रमांक, विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जावा क्रमांक, दिनांक, और ठीक है ये सभी आपको भरना है, ठीक है। उसके देखिए प्रचार है, यहाँ हस्ताक्षर रहेगा, और बीएड वाले अभ्यर्थी के लिए जो अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा वहाँ जिला शिक्षा अधिकारी डीओ या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीओ का सील साइन लगेगा, ठीक है। ओवरराइटिंग नहीं होना चाहिए, यदि ओवरराइटिंग होगा तो वहाँ साइन करना अनिवार्य होगा, अदरवाइज जो है आपका अनुभव प्रमाण पत्र वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए दो फॉर्मेट रहेगा, ठीक है, इसमें क्या है, देखिए क्या रहेगा इस एक फॉर्मेट में कि इस विद्यालय में यहाँ से यहाँ तक कार्यरत है, और आप मान लो एक विद्यालय में एक साल किए हो, दूसरे विद्यालय में फिर एक साल किए हो, तो दो साल हुआ, तो इसलिए दो फॉर्मेट यदि आपके लिए लागू होता है तब उस फॉर्मेट को आपको कराना है, ठीक है, अदरवाइज एक फॉर्मेट में काम चल जाएगा। उसके देखिए न्यूनतम 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, ठीक है, प्रारूप क्रमांक 1 शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र है, ठीक है। अब डीएड के लिए, तो डीएड के लिए देखिए डीएड वाले कैंडिडेट, तो डीएलएड के लिए 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश होते शिक्षण अनुभव, तो देखिए यहाँ केवल हस्ताक्षर प्राचार्य या प्रधान पाठक, ठीक है, यहाँ इसमें किसी भी प्रकार की बीओ डीए और डीओ का साइन कराना नहीं पड़ेगा, केवल स्कूल में जो प्राचार्य प्रधान पाठक है उसके सील साइन से जो है आपका अनुभव प्रमाण पत्र वैलिड रहेगा, लेकिन बीएड अभ्यर्थी के लिए बीओ या डीओ से कराना अनिवार्य होगा, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखिए इनका जो स्टाम्प में नोटरी कराना है, बीएड डीएलएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शपथ पत्र, ठीक है, तो 10 रुपये के स्टाम्प में नोटरी कराकर ही शपथ पत्र देवे, तो आपको इस में किसको में कराना है, स्टाम्प पेपर में कराना है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपको स्टाम्प पेपर में टाइप करा लेना है या प्रिंट करा लेना है, उसके बाद आपको जो है नोटरी कराना है और सभी अपने दस्तावेज के साथ जमा करना होगा। तो ये सभी पीडीएफ सभी फॉर्मेट आपको सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका एक बार स्वयं अवलोकन कर सकते हैं, जो आपको दस्तावेज दिखाया गया क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है, तो वे सभी और ये सभी फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाई होंगे। यदि आपको फिर भी किसी भी प्रकार की कुछ 1% की डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ ही साथ इससे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।